नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सिंह, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। अभय चंडालिया, डायरेक्टर शेयर समाधान, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट। शेयर समाधान का ये जो दूसरा ऑफिस खोला है, ये रिकवरी के दुनिया का एक नया कॉन्सेप्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, और इसके अंदर में हम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स और जो लिक्विडेटर्स होते हैं उनको हम मदद करेंगे। उसके साथ साथ बैंक्स जो अपने NPA की रिकवरी नहीं कर पाते, जिन एसेट्स की, इनटेंजिबल एसेट्स का विशेष हम ध्यान रखेंगे, जिसमें डेटर्स को ढूंढना, उनको फॉलोअप करना, उनको रिमाइंडर्स भेजना, और उसके बाद में उनसे मिल करके उनको ये बात बताना कि भाई आपके अगर पैसे जो ड्यू हैं कंपनियों को या कॉरपोरेट्स को या कंपनी फर्म को, वो अगर आपने नहीं दिए तो आपके ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और उस कानूनी कार्रवाई करने से आपकी जो लायबिलिटी है वो ख़त्म तो हो नहीं सकती, लेकिन आप उसे अगर बचना चाहते हैं तो इनके पैसे आप दे दीजिए। हम ये कोशिश कर सकते हैं, अगर कोई कारण से आपको कोई समस्या आई है इसमें, या आपको लग रहा है कि इसमें जो प्रॉब्लम्स है इसमें, तो हम लोग उसका कोई समाधान निकाल सकते हैं। कई बार बैंक्स बोलते हैं ठीक है पूरा नहीं दे सकते तो कम दे दीजिए, कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, तो इस तरह का ये हमने कॉन्सेप्ट इसमें लॉन्च किया है। साथ साथ में जो लीगल रेमेडी जो हमारे साथ में जुड़ी है फर्म, ये लॉ फर्म है, और ये हमें इनको मदद करेगी लीगल कार्रवाई करने के लिए। तो लीगल कार्रवाई करने का जो काम होगा वो लीगल रेमेडी फर्म करेगी, जहाँ पे इनकी जो टैगलाइन है इनोवेटिव समाधान, वो कोशिश ये रहेगी कि हम लास्ट रिसोर्ट होंगे रिकवरी के लिए। अगर हम समाधान नहीं दे पाएँ तो फिर शायद भी कोई समाधान दे पाएगा, बट जो भी होगा वो कानूनी दायरे के अंदर में होगा। आज की दुनिया के अंदर में आप प्रतिदिन कोई ना कोई इंसॉल्वेंसी के मैटर्स के केसेस आप देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिलते हैं। सारा मीडिया के अंदर में डेली इस तरह का मैटर्स रहता है, और इसी कारण से अभी आज की तारीख में जो रिसेशन हो रहा है उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, और रिसेशन के कारण जो लोगों का नुकसान हुआ है, अब वो लोग आदमी तड़पने, अब खुद के पैसे के लिए तड़प रहे हैं। अब जब पैसे नहीं होंगे तो व्यापार कैसे होगा, जब व्यापार नहीं होगा तो देश का जो तरक्की है वो कैसे होगी, और जो GDP जो बढ़ाने का जो सपना है कि $10 trillion की अगर GDP का अगर बन जाता है देश का, तो वो सपना साकार जब तक नहीं होगा तब तक लोगों के पैसे अगर अटकना बंद नहीं होंगे। तो लोगों के पैसे को अटकने से और डूबने से बचाने के लिए भी हम लोग उनको, लोगों को एजुकेट करते हैं, उसके लिए हम अवेयरनेस करते रहते हैं। शेयर समाधान इन्वेस्टमेंट की रिकवरी का जो नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट बचाने का भी उपाय देते हैं, प्रोएक्टिव इन्वेस्टमेंट से बच जाए वो, इनके पैसे अगर भविष्य में किसी भी तरीके से ना डूबे, उसके लिए शेयर समाधान का जो ऐप है वो रामबाण की तरह तैयार होता है। वो एक डिजिटल वे ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ फ्रॉम डिजास्टर है। किसी भी आपदा के अंदर में अगर किसी के सारे निवेश के पैसे डूब जाते हैं तो उसके अंदर में शेयर समाधान का जो ऐप है उसमें रखी सूचना अगर वो आदमी रिट्रीव कर ले तो सूचना के आधार पर या तो खुद रिकवरी कर सकता है और नहीं तो किसी कंसल्टेंट या प्रोफेशनल की मदद ले सकता है। आज की तारीख में इंडिया के अंदर में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो आपके पैसे भविष्य में डूबने से बचाने का उपाय दे और उसके साथ साथ उसको रिकवरी करने के अंदर में सपोर्ट दे, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। करीब करीब 600 लोगों से ज़्यादा का पैसा हमने रिकवरी करवा दिया है, और 100 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट के इन्वेस्टमेंट और डेटर्स की या अदर दूसरे एसेट्स की रिकवरी शेयर समाधान और उसकी टीम कर चुकी है अभी तक। भविष्य में पैसा ना डूबे इसके लिए सबसे पहले तो हमें हमारे कागज़ सुरक्षित रखने चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, अगर डिजिटल कॉपी तो हार्ड कॉपी रखें। तीसरी बात मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक कॉपी जो है अपने इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स की, वो हमारे एक परिवार पे जिस पे आपको सबसे ज़्यादा विश्वास हो उनके पास में भी हम लोग वहाँ पे रख करके रखें, और किसी कारणवश अगर हम दूसरे सिटी के अंदर में अगर रखते हैं तो वो और ज़्यादा उनको फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि दो सिटी के अंदर में एक साथ में भूकंप या आपदा या बाढ़ एक जगह पे नहीं आती है, तो उनके निवेश के पेपर जो है वो बच जाएंगे और वो आदमी रिकवरी कर लेगा। इसके साथ मैं ये एक और बात बताना चाहूँगा कि हमें हमारे परिवार को हर तरह के इन्वेस्टमेंट की जानकारी उनको बीच बीच में देते रहनी चाहिए और अपडेट करते रहना चाहिए, ताकि उनको पता रहे कि हमने किस आदमी को कितना पैसा दिया,
कितना पैसा कहाँ निवेश किया और किससे हमें जानकारी हासिल कर सकते हैं, या इसमें जो समस्या आए तो हम शेयर समाधान जैसी कंपनी को संपर्क कर सकें, ये सूचना हमें हमारे परिवार को, सारे निवेशकों को देनी चाहिए। और इस तरह का मैं तो ये सबसे सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे इस चीज़ की अवेयरनेस भी करें, और अवेयरनेस के लिए हम को स्कूल्स के अंदर में, कॉलेजेस के अंदर में, कॉरपोरेट्स के अंदर में, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में, एनजीओ में हम लोग लेक्चर अवेयरनेस कराते रहते हैं। इसका हम कोई चार्ज भी नहीं लेते हैं। इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत भी गवर्नमेंट का भी जो स्कीम चलती है उसमें भी मैं लेक्चर देते रहता हूँ। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।